तो हे गाइस, दिस इज आदित्य गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2021 के सीट एलोकेशन रिजल्ट राउंड वन के बारे में। यानी कि स्टूडेंट फाइनली आपका राउंड वन का काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपको चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीट एलोकेशन रिजल्ट फॉर काउंसलिंग, इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हो तो राउंड वन का रिजल्ट आप देख सकते हो। पहले आपको क्या डालना है, यहाँ पे रोल नंबर, पासवर्ड और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन। तो चलिए हम इसको एंटर कर लेते हो, आपको दिखाते हैं रिजल्ट किस तरीके से चेक करना है। सो स्टूडेंट फाइनली हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हो तो फाइनली आपका यहाँ पे राउंड लिख के आ जाएगा। देखिए आपको कौन सी सीट अलॉट हुई, यहाँ पे आपका लिख के आ गया है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्लिक कर लोगे सीट अलॉटेड रिजल्ट, इसके ऊपर हमने क्लिक कर लिया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हो तो फाइनली यहाँ पे आपका रिजल्ट नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका लिखा हुआ है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है और इस तरीके से आपको सारी चीजें पता होगा। यहाँ पे क्लियर है आपको? अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे होंगे कि भैया उसके आगे वाला प्रोसेस किस तरीके से करना है। जैसे सबमिट विलिंगनेस वाला ऑप्शन है, उसके बाद हमारा पे सीट एक्सेप्टेंस फी और यहाँ पे डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। तो इसका हम किस तरीके से आगे वाला प्रोसेस करेंगे, प्लीज एक बार वीडियो बना के क्लियर कर दो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए वीडियो बना दूंगा और आपको बिल्कुल सही तरीके से क्लियर कर दूंगा बाकी के जितने भी नेक्स्ट प्रोसेस है वो सारे। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज थोड़ा सा वेट करो, आज ही आपके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है रिजल्ट आ जाने के बाद। तो इसी के साथ पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।